हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा उमराव। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी इंडिया में कोरोना वायरस के लिए 3 वैक्सीन का यूज़ हो रहा है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने 4th वैक्सीन जो अभी इंडिया में यूज़ होगी उसके लिए 1500 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है 30 करोड़ डोजेस के लिए। तो ये 4th वैक्सीन है हमारी कॉर्बीवैक्स, जिसे बायोलॉजिकल ई कंपनी जो कि हैदराबाद में है उसने बनाया है। इस कंपनी की स्थापना डॉक्टर डी वी के राजू ने 1953 में किया था और इसने सबसे पहले हिपैरिन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था इंडिया में। तो कॉर्बीवैक्स कोवैक्सीन के बाद सेकंड ऐसी वैक्सीन होगी जो इंडिया में बन रही है। इसका अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है लेकिन अभी इसको एमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन नहीं मिला है। इंडियन गवर्नमेंट ने कॉर्बीवैक्स के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपीज़ भी दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। तो इस वैक्सीन का डेवलपमेंट बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन हाउस्टन ने टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर एंड डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज के कोलैबोरेशन से किया है। लास्ट ईयर अगस्त में बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने इसकी टेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल ई को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो करेंटली अभी ये फेज 3 के ट्रायल में चल रहा है जो कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जुलाई तक कम्प्लीट हो जाएगा और अगस्त तक वैक्सीन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये 2 डोज वैक्सीन होगी जिसका इंटरमस्कुलर इंजेक्शन होगा और 28 डेज के डिफरेंस में लगेगी। अब हम इस वैक्सीन का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो वर्ल्ड में अभी 4 टाइप की वैक्सीन का यूज़ हो रहा है। फर्स्ट है mRNA वैक्सीन। तो mRNA वैक्सीन में मैसेंजर RNA की कॉपी बॉडी के अंदर डाली जाती है जिसकी वजह से बॉडी में स्पाइक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं और एंटीबॉडीज से इम्यूनिटी आती है। तो फाइजर और मॉडर्ना mRNA वैक्सीन के ही एग्जांपल्स हैं। सेकंड है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसके एग्जांपल्स हैं कोविशील्ड, जॉनसन एंड जॉनसन एंड स्पुतनिक वी। इसमें हम वीकेंड वायरस बॉडी के अंदर डालते हैं जिसकी वजह से बॉडी में स्पाइक प्रोटीन्स बनते हैं और एंटीबॉडीज आती हैं। तो इन दोनों ये दोनों वैक्सीन का ही वर्किंग प्रिंसिपल एक ही है, एक ही काम करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। इन दोनों की वजह से बॉडी में स्पाइक प्रोटीन्स बनता है और वो स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से जो एंटीबॉडी बनती है वो जब कोरोना वायरस बॉडी में आता है उसके स्पाइक प्रोटीन को अटैक करता है। थर्ड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं कोवैक्सीन, साइनोवैक, कोरोनावैक, साइनोफार्म, SARS-CoV-2। तो इसमें डेड वायरस हम बॉडी के अंदर डालते हैं जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज बॉडी में बनते हैं वो एंटीबॉडीज पूरा का पूरा कोरोना वायरस को अटैक करते हैं। इन दोनों वैक्सीन में सिर्फ कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को अटैक करती थी वो एंटीबॉडी और इसमें पूरे के पूरे वायरस को अटैक करते हैं। फोर्थ है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड। तो कॉर्बीवैक्स हमारी इस पे बेस्ड है। कॉर्बीवैक्स का वर्किंग प्रिंसिपल भी फाइजर और कोविशील्ड की तरह है, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को अटैक करना लेकिन अलग तरीके से। mRNA वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन में हम बॉडी के अंदर कोड डालते हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड जो वैक्सीन है उसमें हम डायरेक्ट प्रोटीन बॉडी के अंदर डालते हैं। अब हम कॉर्बीवैक्स का डिटेल में देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। ये कोरोना वायरस की पिक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये स्पाइक प्रोटीन है। इसी की हेल्प से कोरोना वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है और फिर रेप्लिकेट करता है और डिजीज होती है। तो इस वैक्सीन में इस स्पाइक प्रोटीन्स को लैब में प्रोड्यूस किया गया है और इन स्पाइक प्रोटीन्स को इन एडजुवेंट्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उनके साथ अटैच किया गया है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं एल हाइड्रोजेल एलम एंड CpG 1018। इनके साथ अटैच करके बॉडी में डाला जाता है। तो बॉडी को इसकी वजह से कोई हार्म नहीं होता क्योंकि वायरस नहीं डाला, सिर्फ उसका प्रोटीन डाला है। लेकिन इस प्रोटीन की वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो जब रियल वायरस बॉडी में एंटर होता है तो जो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बने हुए हैं वो उस वायरस को अटैक करते हैं। तो ये कॉर्बीवैक्स का वर्किंग प्रिंसिपल था और ये कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन के ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही चीप और इजीली अवेलेबल है। तो ये वैक्सीन काफ़ी सस्ती रहने वाली है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सपोर्ट की वजह से मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।